हेलो कौन? हेलो साई तोंडे भाऊ, कहाँ पे हो आप? ये फटाके फूटने की आवाज कहाँ से आई? ये आवाज अपुन के पिछवाड़े से आई है। वो छोड़ो, आप कहाँ पे हो? अपुन किधर है मालूम नहीं, लेकिन जिधर भी है अपुन को धार मारनी है। हाँ भाई, कुकू तो मर गई, अब किसकी धार मारोगे? अबे मैं उस धार की बात नहीं कर रहा, मैं सुसु की बात कर रहा हूँ। मुझे लगा कुकू की बात कर रहे हो। किसी ने सच कहा है, बंटी चूतिया है। भाई वो तो मैंने ही कहा था। वो छोड़ो, आप कहाँ पे हो? पता नहीं कहाँ पे हो, लेकिन यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है। अच्छा, आप अंधेरे में हो, ईस्ट में हो या वेस्ट में हो? लोकेशन सेंड कर दो, मैं आता हूँ। तेरे बाप ने कभी लैंडलाइन से लोकेशन भेजा था क्या? लैंडलाइन से? हाँ भेजा था ना एक बार, उसके बाद उनकी लैंडलाइन खराब हो गई, लंग कैंसर हो गया उनको। तूने लंग कैंसर बोला, मुझे कुछ और सुनाई आया। मतलब मेरा लोकेशन मुझे नहीं मालूम कहाँ पे, लेकिन मैं जहाँ भी हूँ मुझे खोल के मारनी है। हाँ भाई, खोल के ही धार मारना, वरना पैंट में हो जाएंगी। और मुंबई में बारिश बहुत होती है, कच्चा सूखता भी नहीं है। चल अपन फोन रखता है अभी। भाई फोन रखने से पहले ये तो बता दो कि 25 दिन में क्या होने वाला है। 25 दिन में तूने अगर मेरी उधारी नहीं दी तो तेरे पिछवाड़े में छाता डाल के खोलूंगा। भाई मैं फोन रखता हूँ अभी, ठीक है? बोल तुझे क्या चाहिए? काटेगर कब तक जिंदा होगा बता। देख भाई, किसी मरे हुए को जिंदा करना इतना आसान नहीं है। जल्दी जिंदा कर, मुझे और भी काम है। कपड़े प्रेस के लिए डाला था क्या जो इतने जल्दी आ गया? भूल मत, मैं साई तोंडे का तीसरा बाप हूँ। सेकंड हैंड जिंदगी जी रहा है तू। पॉइंट की बात कर, पॉइंट की। काटेगर को जिंदा कर। उससे पहले तुझे मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी। वो 25 दिन के बाद सुनूंगा मैं। तब तक तो सब मर जाएंगे बेटा, और इस बार तो त्रिवेदी भी नहीं बचेगा। और अनुराग कश्यप ऐसे ही कंटेंट बनाते रहा तो करण जौहर भी नहीं बचेगा। देख भाई, काटेकर को जिंदा चाहता है तो तुझे मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। पहले तू कट्टे का धंधा करता था, सब तुझे कालीन भैया करके बुलाते थे। वो धंधा चला नहीं, तू अब तू यहाँ पे आ गया, बाबा बन के घूम रहा है। देख भाई, अतापी और वतापी दोनों सिबलिंग थे। उन सिबलिंग के लिंक काट के तुझे खिला दूंगा। काटेकर को जिंदा कर। देख भाई, आत्मा के बदले आत्मा। क्या, आईफोन के बदले किडनी? नहीं, अगर काटेकर को जिंदा देखना चाहते हो तो बलिदान देना पड़ेगा। किसका बलिदान दूं? किसी दूसरे शरीर की आत्मा को अलग करके काटेकर के शरीर में डालना पड़ेगा। इसका मतलब काटेकर का ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, बलिदान देना पड़ेगा। किसका बलिदान दूं? तुझे मरना पड़ेगा, तुझे अपना बलिदान देना पड़ेगा, तभी काटेकर जिंदा होगा। तू जिंदा रहकर क्या करेगा? बलिदान तो तू देगा।